नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। हमने कई लोगों से सुना है कि हमें भूख नहीं लगती या कम लगती है। हमें भूख नहीं लगती ये किसी आम समस्या को मानकर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भूख ना लगना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल ना करें। खाना हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भूख ही नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे और हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और हम कई बीमारियों से भी घिर सकते हैं। शुरुआत में तो हमें भूख न लगने के कोई नुकसान नहीं नजर आते, लेकिन धीरे धीरे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है और हम अपने काम को ढंग से नहीं कर पाते। जो भी करते हैं उसमें मन नहीं लगता और हम असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आप कहते हैं कि भूख हमें नहीं लगती तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भूख ना लगने को नजरअंदाज ना करें, उसकी वजह जानकर उसका इलाज करें। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि भूख ना लगना किस बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। किडनी प्रॉब्लम। अगर आपको भूख नहीं लगती तो हो सकता है कि आपकी किडनी में कोई खराबी हो। इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और पता करें कि आपको भूख क्यों नहीं लगती। स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको भूख में कमी आ सकती है। तो अगर आप काम या किसी और कारण से स्ट्रेस है तो उसे दूर करें, आपको भूख लगने लगेगी। डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज के मरीजों को भी भूख कम ही लगती है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो हो सकता है आप इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको डायबिटीज हो। अल्सर। भूख ना लगने के कारणों में अल्सर भी एक बड़ा कारण है। मुंह के छाले या पेट में अल्सर आपको भूख लगने से रोक सकती है। मेडिकल साइड इफेक्ट्स। अगर आप कोई गोली रेगुलर या दवा खा रहे हैं तो आपको भूख नहीं लग रही है तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। थायराइड। थायराइड डी एक कारण है भूख न लगने का। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप अपना थायराइड अवश्य चेक करा लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जानकारी पे आधारित है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।